मतलब वीरांचू को समझ में नहीं आया कि मैंने उससे क्या कहा। इतना बुद्धू तो नहीं है वो, फिर उसने दिमाग क्यों नहीं लगाया? फुर्सत मिल गई तुम्हें? कहाँ थे तुम वीरांचू? तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मतलब? सीधा सवाल था, इसमें कुछ कोड डिकोड नहीं करना है। वीरांचू तुम क्या कर रहे हो? कहाँ था, क्या कर रहा था, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? साला पता नहीं दुनिया भर के कपड़े में कुर्ता कहाँ गया? वीरांचू रिलैक्स, ये देखो ये रहा तुम्हारा कुर्ता। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बिना आयरन कपड़े पहन सकता हूँ, और करना हो तो मैं खुद भी कर लूंगा। थैंक यू। नहीं पहनना, मत पहनो, कुछ और पहनो, मत पहनो। क्यों, मनमानी है? अब तुम्हें यही पहनूंगा। दरवाजा टूटा ना तो वापस तुम ही लगाओगे, समझे? समझ गया, यहाँ दिल टूट जाते हैं दरवाजे क्या चीज है। बाय द वे, तुम किस खुशी में इतनी अपसेट हो? पास आने की जरूरत नहीं है, दूर से सुनाई देता है मुझे। सवाल का जवाब दो। मुझे तुम्हें जवाब दिए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन खैर अगर तुम अभी तक नहीं समझ पाए ना कि मैं अपसेट क्यों हूं, तो तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। तुम किस खुशी में मुझसे चिड़े हुए हो? एंड बहुत अच्छे, वाह, कॉलर ऊपर करो, है ना? अपनी बात मनवा के मेरी बात काट देना बहुत हिम्मत का काम है। ये बचकानी हरकतें तुम्हें सूट करती हैं, मिस पानी शर्मा। पता है कि अगर तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाई, कभी नहीं समझ पाओगे। मैं मिस पानी शर्मा नहीं हूं, मैं मिस खैर जाने दो। जाने दो, जैसे तुमने मेरे फीलिंग्स को जाने दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं आया था खुशी खुशी तुम्हारे कोर्ट को डीकोड करके, पहेली सुलझा के, और मिला क्या मुझे? तुम्हारा नींबू चीनी वाला पानी, तुम्हें पीना था ना? इसे पीते नहीं है, इसे हाथ पे लगाते हैं पागल। हाँ, हाथ पे लगाते हैं ताकि मेहंदी का कलर और ज्यादा गहरा हो जाए। तो जरा मैं भी लगा। बेबी तुम इतनी जहरीली चीज लगा कैसे लेती हो हाथ पे? बेबी तुम इतने जहरीले हो, करना पड़ता है। अच्छा, देख रहा पवन, एक समय था जब इस घर में चील रहते थे, मर्द चील। लेकिन अब देख अपने अपने बच्चों को, देख कैसे दुम हिला के लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं। ये लो, अब तो वीर बाबा भी आ गए। अपनी बीवी के बेबी, चलो कम से कम वीर उस आदि नागिन के पल्लू से बंद कर तो नहीं घूम रहा है। बानी बैठो। बानी बैठ, तू भी लगवा ले मेहंदी। वीर, बचपन से तेरे कॉलर देख ऐसी रहते हैं। कॉलर तो ठीक कर ले। ओ, तो बानी इसलिए इशारे कर रही थी। आजा आजा वीर, बैठ बैठ बैठ। जी चाचू। भाई साहब, बाकी सब तो हम झेल लेंगे, शादी नाक का क्या करें? साला चेपू चंपक जब देखो मुंह उठाए पहुंच जाता है। चे, अरे इधर आओ। जी आंटी। अरे जय, कोई म्यूजिक म्यूजिक बजवा दो ना, ये चम्मच पीट पीट के ना हाथ दुख गए हैं, और मेहंदी भी तो लगवानी है ना। मैं करवाता हूँ आंटी। हाँ
मुझे भी मेहंदी लगा दो। कैसा डिजाइन बनाना है, सादा या किसी का नाम लिखना है? दूल्हे के नाम का पहला अक्षर क्या है? वी, वी फॉर वीर। नाम, क्या नाम लिखना है? सिर्फ वी लिख दो। ओ, वी से वीरांशु। नहीं, वी से सिर्फ एक ही नाम थोड़ी ना होता है ना, मेरा दी वी, वी से वरुण धवन। वरुण धवन। झूठ, झूठ बोला था तूने। झूठ? जब हम पहाड़ी वाले घर के लिए निकल रहे थे तो तूने अपनी माँ के बारे में झूठ बोला था। एक दूसरी बार झूठ मत बोल, सच सच बता बात क्या है। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ डैड। ओ अच्छा, तो आप एक काम करो, वी डी लिख दो। नहीं एक मिनट, नहीं नहीं पागल है। मीरा, फिर मुझे तो आकर मेहंदी दिखा। अभी क्या करूं, वी डी लिख दूं? नहीं सिर्फ वी। वैसे मैंने तपिश भाई को बताया और वो ये बात समझ भी गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने इतने सालों माँ को कैद क्यों रखा? उसे देखकर भी तुझे जवाब नहीं मिला? वो पूरी तरह से शैतान बन चुकी है। तो ये बात आपने हमें बताई क्यों नहीं? जिस बात का तुझे पता नहीं उससे तुझे कोई खतरा नहीं। तेरी माँ खुद को मार काट बोलती है क्योंकि दुनिया भर की शक्तियां आ गई हैं उसके पास। ये तो अच्छा हुआ कि उसका परमानेंट इंतजाम हो गया है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो जहां भी है बस दिल दिल के मरे। नजर आई मेरे खूबसूरत चांद की एक किरण नजर आ गई, रोशनी की एक किरण दिखाई है। अब खुद को दिखाओ, पूरा सामने आओ। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आओ चांद, मदद करो मेरी। नहीं नहीं, मैं नहीं हार मान सकती, मैं नहीं हार मानूंगी। नहीं नहीं, चांद को मत छुपाओ, मेरे चांद को मत छुपाओ। एक झलक, बस एक झलक पाने दो मुझे, मेरी सारी शक्तियां जाग जाएंगी। वो पानी मेरी पिछली चाल से बच गई थी लेकिन मेरे अगले वार से नहीं बच पाएगी। मैं भले ही यहां से बाहर नहीं निकल सकती लेकिन उस आदि नागिन को यहां से भी तबाह कर सकती हूं। चांद सामने आ, एक झलक दिखा, एक झलक बस। अच्छा बस हुआ। मेरी बात सुन, लड़ाई झगड़े को किनारे रखो और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे नहीं देखना, पहले ही बहुत कुछ देख चुका हूँ। बस क्या तुम जानना चाहते थे ना कि मैं चिढ़ा हुआ क्यों हूँ? पूछा था ना विराज। स्पानी शर्मा, मैंने तुम्हारे कोट को डी कोट कर दिया ऐसा मुझे लगा था, पर अफसोस में गलत था। तुम सही थे या गलत थे ये मैं तुम्हें बताती ना, कम से कम तुम आते तो मेरे पास। आया था तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ही आया था माने। अच्छा तो क्या तुमने वो देखा जो मैं चाहती थी तुम देखो? देखा, वो देखा और सब कुछ देखा मैंने उसे। एक मिनट, तुमने कहीं सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया, मुझे जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, ताकि तुम्हें खुशी मिले? कहीं तुम्हारा एक और कोई बड़ा कोट तो नहीं है ना? राजू तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रही थी, सब कुछ सजा के बैठी थी कि तुम जब आओगे तो सरप्राइज। एंड गेस व्हाट, सरप्राइज सरप्राइज, मुझे सरप्राइज मिला उसे वहां देखकर। मेरा दी स्माइल, कपिल जी बड़ी वाली स्माइल करो। आह
तो फिर क्या सोचा? शादी के लिए पूछ रही हो ना? तो ढंग से पूछो यार, जब धरती में लड़के पूछते हैं ढंग से, मतलब घुटनों पे आके सलीके से तरीके से पूछो। पर हम तो आसमान में हैं ना? तभी तो यह सब कुछ उल्टा है। जैसे लड़के पूछते हैं धरती पर, यहाँ लड़की पूछेगी घुटने पे आके सलीके से तरीके से, है ना? Come on, come on. चलो तो फिर ठीक है, आ गए घुटनों पे। अब बोलो वीरांशु सिंघानिया, मेरे बचपन के प्यार, क्या तुम मेरे इस बादशाहत के बादशाह बनोगे? यहाँ ऐशो आराम है, मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है, क्या तुम ऐसी जगह पे राज करना चाहोगे? क्या तुम मेरे बन के रहोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यस, मैं करूंगा, मंजूर है, क्योंकि मैं पैदाइशी ही ऐसा हूं, मुझे ऐशो आराम की जिंदगी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। तो बताओ चांदी डाली, शादी कब है? क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं चांद पे जाऊंगी, अगर मुझे वीरांशु को वापस लाने के लिए चांद पे जाना पड़ेगा ना, तब भी मैं ऐसा करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बताओ यहाँ पे कैसे पहुंचना है? हमें चादारी नाग नागिन है, कोई पक्षी नहीं है, वे चील है, वो इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है, हम नहीं। हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, कुछ पेड़ पे चढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, चढ़ेंगे तो चढ़ जाएंगे। लेकिन तुमने जय सुना नहीं विकर्ष ने क्या कहा? क्या कहा? कि सब कुछ हमारी इच्छा शक्ति पे है, सिर्फ वही मायने रखते हैं और कुछ भी नहीं। जब सावित्री अपने पति को उसका पति सत्यवान था, एक अच्छी आत्मा, और तुम्हारा पति? बस मैं जानती हूँ कि तुम वीरांशु से नफरत करते हो, लेकिन मैं नहीं, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। वीरांशु को सही सलामत तुम्हें वापस लेकर आऊंगी, पर मैं ऐसा करके रहूंगी। अब ये तुम पे है कि तुम मेरे दोस्त बन के मेरा साथ देना चाहते हो या वीरांशु के दुश्मन बन के अपना मुंह बंद करके रखना चाहते हो। आप पहुंचना कैसे, तुम्हें पता भी है? पता तो मुझे ये भी नहीं था कि तुम्हें माफ कैसे करना है, पर मैंने कर दिया। आओ, आओ और मुझे आजाद करो, आओ। मैंने मारकाट की मदद की क्योंकि उसने कभी मेरी मदद की थी, और अब उसी मदद के बदले मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मुझे पता था कि तू दिल की बुरी नहीं है, मुझे मेरा सबक देते ही तू मुझे माफ कर देगी, मुझे आजाद कर देगी। बहू रानी, मुझे आजाद कर दे बेटा, मुझे मेरा सबक मिल गया है। तो फिर तुम्हें बाकी सजा नहीं देनी चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। तुमने अपना किया भुगत लिया है ना? हाँ बिल्कुल भुगत लिया है, उससे भी ज्यादा भुगत लिया है। मुझे आजाद कर दे बेटा। तो तुझे मौत ही आजाद करेगी, मैं नहीं। चिल्ला और जोर से चिल्ला, और जोर से चिल्ला, इतनी जोर से चिल्ला कि तेरी आवाज इस गुफा के बाहर तक जानी चाहिए, दूर उस समंदर तक, जिसने तेरा साथ दिया, मेरी बहन को तड़पाया, मेरी मीरा दी को तड़पाया। ओ, तो तुझे पता था? देखा तूने कैसे इस त्रिशूल पे लटक के भी कैसे मैंने तेरी सांस से अटका दी। हंस कह रही है, तेरी कोई चाल काम नहीं है।
मैंने पलक भी नहीं झपकाई और सब कुछ पलट के रख दिया। मार काट सब कुछ, सबको बचा लिया मैंने, अपने पूरे परिवार को बचा लिया मैंने। तो यहाँ क्या लेने आई है, अपनी जीत का हार? हार तो आपके हिस्से आई है सासू माँ, उसे आप ही रखिए। मैं तो यहाँ पे इस मायावी गुफा के अंदर जाने आई हूँ, वही मायावी गुफा जिसके अंदर जाने के लिए तुम तड़प रही हो और जिसके बाहर रह के भी तुम तड़प ही रही हो। तुझे क्या लगता है अंदर जाके वीर को बचा लेगी? बिल्कुल बचा लूंगी मैं। गलतफहमी है तेरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तू प्रकृति का नियम तोड़ रही है। इतने सालों से जो चला आ रहा है उसका संतुलन बिगाड़ रही है तू। एक चील और नाग दुश्मन है और आदि नागिन और चीलों का राजकुमार जानी दुश्मन। हम दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब विरांचू मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा पति है वो। और तुम्हें जितनी कोशिश करनी है ना तुम कर लो, लेकिन हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं पाओगी। कुछ भी हो जाए मैं अपने विरांचू को मौत के मुंह से बचा ले आऊंगी। बचा लेगी या बचाते बचाते खुद मर जाएगी, किसको पता। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मायावी गुफा कि आपने मुझे वो दूर दृष्टि दी जिसके बल पे मैं अपने पूरे परिवार को बचा पाई, सबको बचा पाई मैं। जानता हूँ, लेकिन तुम उस वजह से तो यहाँ नहीं आई हो आदि नागिन। मैं आपसे जब जो चाहा वो मांगने नहीं आ सकती तुम यहाँ। मैं हर मौके पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे नहीं चलता यहाँ। मुझे अपने पति को बचाना है, मुझे चांद पे जाके उन्हें वापस लाना है, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं इच्छाधारी नागिन। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए मायावी गुफा, ना धन दौलत पैसा रुपया, कुछ नहीं। मुझे बस मुझे अपने पति को वापस लाना है। मेरी बस हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मुझे विरांचू को, अपने विरांचू को बचाने दीजिए। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में, मुझे इसे बचाने दीजिए। ठीक है, पीछे पलटो। ये सीढ़ियां तुम्हें चांद तक ले जाएंगी। शुक्रिया मायावी गुफा, ये आपका एहसान मुझ पे हमेशा रहेगा। एहसान नहीं करते हम, कीमत लेते हैं। चांद तक जाने की कीमत चुकानी होगी। मुझे मंजूर है, मुझे ये सब कुछ मंजूर है। आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, विरांचू की जान के बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, सौदा महंगा पड़ सकता है। मैंने कहा ना, विरांचू के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कोई भी मोल चुकाऊंगी। आप बस बोलिए आपको क्या चाहिए। तुम्हारी आंखों की रोशनी। हाँ, जैसे ही तुम इस सीढ़ी पे अगला कदम बढ़ाओगी अपनी आंखों की रोशनी खो दोगी, लेकिन ये सीढ़ियां चलती जाएंगी। मीलों
मीलों दूर ऊपर चांद तक जाएंगी ये, सोच लो। घरवाले, विरांचु, अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा तब भी अंदर आना प्लीज। यहां एक एक मोमबत्ती मैंने ये बताने के लिए लगाई है, मुझे अफसोस है, हर एक मोमबत्ती के साथ मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने जितनी बार भी तुम्हें गुस्सा दिखाया या तुम्हें बुरा भला कहा या तुम्हारा दिल दुखाया, वो उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सब कुछ किया मेरे लिए, भरपाई करने के लिए ना। तुमने तो सारी मोमबत्तियां बुझा दी। तुमने कहा ना हर एक मोमबत्ती का मतलब सॉरी है। जितनी बार तुमने मेरा दिल दुखाया, जितनी बार मुझे बुरा भला कहा है ना, तो मैंने सब बुझा दी। तुम्हें किसी बात के लिए भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है भवानी। नहीं, ये एक मोमबत्ती जो मेरे हाथ में है, मैंने जो किया उसके लिए मुझे अफसोस है। जो बर्ताव मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया मुझे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया भवानी, पागल हो गया था मैं। मैं कमरे में आया, तुमने बुलाया, मैं आया था, मैंने ये सात सजावट कुछ नहीं देखी, ये तैयारी कुछ नहीं देखी मैंने। मैंने देखा तो सिर्फ चाय को तुमसे बात करते हुए, बस पागल हो गया। गुस्सा, इनसिक्योरिटी, जलन, सब कुछ मैं एक साथ महसूस कर रहा था और मैंने अपना आपा खो दिया। जो मैंने किया पता नहीं, सब तुम्हें धक्का समझते हो ना तुम क्या हो मेरे लिए। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान हथेली पे ले घूमता हूँ, पता है ना, तुम हो तो मैं हूं भानी, और मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। ऊपर गए ठीक है, मुझे आता ही नहीं है। नाजुक चीजों कैसे संभालते हैं, समझौते हैं, मुझे नहीं पता। सलीका तरीका मुझे नहीं पता, शायद परवरिश ऐसी थी, माँ का प्यार नहीं मिला ना इसलिए इतनी बेरुखी। पर माँ ही ऐसी थी तो क्या सिखाती। और मैं पॉइंट नहीं है, पॉइंट यह है कि मैंने भूल की है, मैं उस भूल के लिए शर्मिंदा हूं। ये मोमबत्ती, ये कैंडल इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बानी। ये भरपाई है मेरी, मैं तुम्हें कभी दोबारा कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आई प्रोमिस यू, मैं सब कभी नहीं करूंगा। प्लीज तुम इस भूल को भूल जाओ, प्लीज। भूल गई पर मुझे तुमसे और कुछ भी कहना है विरांचू। इस बार कोई उल्टा सवाल, कोई उल्टा जवाब, कुछ नहीं, बस दिल की बात कहनी है।
और वो ये है कि मैं किसी जबरदस्ती की शादी में नहीं हूं। मुझे इस रिश्ते में रहना है, यहां रहना है, तुम्हारे साथ रहना है विरांशु। तैयार हो जो मैं भी तैयार होता हूँ, बाहर चलते हैं। बाहर चलते कहाँ? हम कहाँ? सरप्राइज सरप्राइज विराट जो हम कहाँ? विराट जो क्या कर क्या रहे हो तुम? प्लीज मुझे बताओगे? अपनी पत्नी को डिनर डेट पे लेके जा रहा हूँ। विराट जो लेकिन खाना घर पे बना है, तुम पागल हो गए हो? मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का, मैं ही चाहता कि बच्चे। विराट जो महान चेप जी हमारे बीच में आए, मेरा मूड है रोमांस करने का, मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा हमारे बीच में आए। अब चले। पर एक तुमने टाइम देखा है? तुम सिर्फ मुझे देखो स्वीट हार्ट, बॉयफ्रेंड नहीं, पति हो, सिर्फ रोमांस। लेट्स गो। सरप्राइज सरप्राइज घर वाले। कैंप फायर, नाइस, अच्छा है। पर इधर खंडर में क्यों? खंडर? ओह पानी, आई एम सो सॉरी, मैं शायद तुम्हें गलत सब बर्बाद हो गया। आई एम सो सॉरी पानी, ये खंडर मुझे पता ही नहीं था। आई एम सो सॉरी। कोई विरांच, कोई बात नहीं, हम घर वापस चल सकते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं सचमुच तुम्हें खंडर में लेकर आऊंगा? वैसे तुम्हारा पति किसी भी खंडर को रोमांटिक जगह में बदल सकता है। इस नाचीज को कभी आजमा के तो देखो। विरांशु मैं ये नहीं। विरांशु प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे एक ही घुट में चढ़ जाती है, मैं नहीं पी सकती, मुझे एक ही घुट में चढ़। सही कहा तुमने, एक घुट में चढ़ जाती है ना तो सिर्फ एक ही घुट पियो। कम ऑन। सेफ मेरे साथ, बिल्कुल सेफ। एक और